कोर्स है सीबीटी वन सीबीटी टू कंबाइंड रहेगा इसमें सिर्फ और सिर्फ सेवन हंड्रेड सेवेंटी सेवन में ठीक है अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस कोर्स को परचेस करके अभी से ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं इस कोर्स का फायदा यह है एक तो रीजनेबल प्राइस में है उसको उसके बाद क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है सब सिलेबस के हिसाब से और साथ ही साथ आप सी पी के साथ साथ सी पी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और कुछ भी डाउट आता है तो उसके लिए मैं हूँ आपके लिए सपोर्ट के लिए जैसे आप लोग ने बोला था कि सर प्रीवियस प्रिवे, ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करो तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया है इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लाऊंगा और एक और मैं बात बता दूं कि एप्लीकेशन डेट आपकी 30 जुलाई से लेकर 29 अगस्त तक है तो क्या क्या चीजें इसमें लगती हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है फॉर्म कैसे फिल करना है सारे हमारे चैनल में बताया गया है किस जोन से फॉर्म फिल करना है डिपार्टमेंट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए तो उसको आप देख सकते हो कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है ये देखिए शिफ्ट टू का पेपर है अट्ठाइस अगस्त दो को हुआ था तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द हेडिंग अप ऑफ वॉटर अबोव इट्स नॉर्मल लेवल वाइल पासिंग अंडर द ब्रिज इज नोन एस तो जब पानी आपका ब्रिज के नीचे से जाते रहता है तो उसका जो लेवल बढ़ता है ठीक है जैसे ही वो टकराता है तो उसका जो लेवल बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ठीक है ये आप लोग इरिगेशन में भी पड़े हो और ब्रिज इंजीनियरिंग का भी ये पार्ट है ठीक तो उसकी मैं बात करूं तो वो हो जाता है एफ्लक्स वो क्या हो जाता है आपका एफ्लक्स ठीक है एफ्लक्स इज द राइट आंसर एफ्लक्स इज द राइट आंसर क्लियर एफ्लक्स जो है वो आपका राइट right आंसर है यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो डायग्राम में देख सकते हो ये देखो ठीक है ये नॉर्मल लेवल था जैसे ही पानी यहाँ पे टका ये देखो लेवल पानी का लेवल बढ़ गया ठीक है द हेडिंग अप ऑफ वाटर क्लियर तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है

नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट ये टिम्बर के बारे में बोला है बिल्डिंग मटीरियल आ गया तो ये क्वेश्चन आप लोग जानते ही जानते हो आप लोग बिल्डिंग मटीरियल में ये फेवरेट क्वेश्चन है बार बार आता है ठीक है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहां पे होती है स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर की कहां पे होती, तो होती है तो पैरल होती है भाई ठीक है मैक्सिमम इन द डायरेक्शन टू द ग्रेन क्लियर ये तो रटा हुआ होगा आपको आंसर इसका ठीक स्ट्रेंथ ऑफ टेम्बर इज मैक्म इन द डायरेक्शन पैरल टू ग्रे क्लियर उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस्ड विथ स्पेसिफिक वेव लेंथ टू एल्यूमिनेट ए टारगेट ऑन ए टेरेन फॉर स्टडिंग द स्कैटर्ड रेडियंस इज कॉल्ड ठीक है तो यहां पे मैंने आपको डायग्राम दिखाया हूं एक तरफ है एक्टिव रिमोट सेंसेसिंग और एक तरफ है पैसिव रिमोट सेंसेसिंग मैंने अभी बताया था कि वहां पे हम लोग जो एनर्जी लेते हैं वो कहां से लेते हैं सन से लेते हैं तो यहां पे जो बोल रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात कर रहा है तो उसको हम लोग कहां पे यूज करते हैं वो आप यूज करते हो एक्टिव रिमोट सेंसेसिंग क्लियर उसको आप कहा यूज करते हो एक्टिव रिमोट सेंसेसिंग ठीक है इलेक्ट्रोमे प्रोड्यूस द स्पेसिफिक वेव लेंथ टू एलिमिनेट दू स्टडी दसमोट क्लियर नेक्स्ट आई ए क्यू क्या होता है तो एयर पॉल्यूशन में आप लोग पढ़ते हैं आई ए क्यू होता है आपका इंडोर एयर क्वालिटी ठीक इंडोर एयर क्वालिटी ठीक है रिपीट हो गया क्या दोनों जगह इंडोर एयर क्वालिटी इसका आंसर हो जाएगा इंडोर एयर क्वालिटी आईए क्यू मतलब इंडोर एयर क्वालिटी क्लियर नेक्स्ट अलग अलग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो इंडोर पॉल्यूशन होता है उसमें इंडोर एयर क्वालिटी के बारे में बात की है ठीक है जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लोग पढ़ते हो ए क्यू आई एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक है वैसे ही आपका आई ए क्यू हो गया इंडोर एयर क्वालिटी क्लियर नेक्स्ट अपन बात करते हैं फाइबर्स यूज इन एफ आर सी आर ऑल्सो नोनेस्ट उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेनफोर्समेंट

बेस्ट क्रशर कौन सा होता है क्रशर जो आप जानते हो उसमें बेस्ट क्रशर कौन सा होता है तो वो आपका होता है वीएसआई क्रशर ये दिख रही है डायग्राम में आपको फोटो ठीक है क्या होता है सर वीएसआई एस क्रशर वाइब्रेटरी वाइब्रेटरी सैंड इम्पैक्ट क्रशर ठीक है ये यूज़ करते हैं हम लोग एम सैंड की क्रशिंग के लिए वाइब्रेटरी सैंड इम्पैक्ट क्रशर वी एस आई क्रशर क्लियर तो डायग्राम देख देख के अभी आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं फिर आपका बिल्डिंग ड्रॉइंग से पूछ दिया द फ्लेक्सिबल ए लेड बार इन साइड रबर विच बेंड्स कन्वीनियंटली टू ड्रॉ ए स्मूथ कर्व थ्रू एनी सेट ऑफ पॉइंट विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉइंग एड इज यूज क्या हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसके लिए सेट स्क्वायर यूज करते हैं क्या डिवाइडर यूज करते हैं क्या स्केल यूज करते हैं क्या तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है ये डायग्राम है फ्रेंच कर्व का ये दिख रही है आपको दिस इज योर फ्रेंच कर्व ये यूज करते हो आप ठीक है ये यूज करते हो फ्रेंच कर्व आप यूज करते हो ठीक है दिख रही है फ्लेक्सिबल कर इन साइड ए, ए रबर विच बेंड कन्वीन टू ड्रॉ द स्मूथ कर्व उसके लिए फ्रेंच कर्व यूज करते हो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कितने आसान आसान से क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको द लार्ज स्टील सिलेंड्रिकल मेटल कंटेनर यूज इन आर एम सी प्लांट्स यूज टू स्टोरिंग सीमेंट आरएमसी प्लांट देखिए हो गए उसमें ऐसे बड़े बड़े बंकर बने रहते हैं बंकर बोल रहा हूं मैं ठीक है बड़े बड़े कंटेनर बने रहते हैं ये कंटेनर सीमेंट को स्टोर करने के काम आते हैं फ्लाई एश को स्टोर करने के काम आते हैं इसको हम बोलते हैं सिलो इसको हम क्या बोलते हैं सिलो ठीक है ये काय के काम आ रहे हैं स्टोर करने के काम आ रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं सिलो बोलते हैं ठीक ये एक न्यूमेरिकल दे दिया आपको जियोटेक से परमेबिलिटी से तो आप जानते हो एक हॉरिजोटल परमेबिलिटी होती है ठीक है जिसका के एच का फॉर्मूला क्या होता है थ्री ठीक है? Uh, है और वहीं अगर मैं बात करूं आपका वर्टिकल का तो वर्टिकल के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे ठीक है सॉइल एट ए साइट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स द टॉप लेयर हैज परमेबिलिटी के ठीक है ये ऐसे अलग अलग सॉइल है अलग अलग की लेयर है ठीक इसमें बोल रहा है जो टॉप लेयर है परमेबिलिटी आपको दी हुई है के ठीक इसकी वैल्यू है के और जो बॉटम लेयर है उसकी परमेबिलिटी आपको दी है फाइव के क्लियर ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूं उसके बाद जो थिकनेस ऑफ बोथ द लेयर दोनों की थिकनेस आपको कितनी दी है दोनों की थिकनेस सेम दी है मतलब इसकी भी H, इसकी भी भी थिकनेस थिकनेस अगर मैं मान मान के के और वो वो है है क्लियर अब वो क्या पूछ रहा इज द एवरेज परमेबिलिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ये परपेंडिकुलर वाला हो गया वर्टिकल डायरेक्शन का पूछ रहा है वर्टिकल डायरेक्शन तो वर्टिकल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये परपेंडिकुलर वाला हो गया भाई तो इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा ठीक है कि एवरेज का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वर्टिकल डायरेक्शन का तो वो हो जाएगा आपका एच वन प्लस एच टू अपॉन एच वन अपॉन के वन प्लस एच टू अपॉन के टू ठीक है यहाँ पे दोनों इक्वल हैं एच और एच एच वन भी एच है एच टू भी एच है, है तो ये हो गया टू एच सीधे पुट करो ठीक एच वन अपॉन के वन के वन कितना दिया है के तो ये एच अपॉन के हो गया प्लस ठीक है एच टू भी कितना है एच एच अपॉन के टू कितना दिया है फाइव के तो इसको आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा टू एच अपॉन फाइव एच प्लस के ऊपर चले गया तो ये आपका हो गया टू एच इन टू फाइव के ठीक अपॉन सिक्स नीचे कितना हो गया सिक्स सिक्स एच सिक्स एच तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ रहा है ये हो गया थ्री के ठीक है ठीक ये हो गया आपका आंसर this is your answer. तो दो प्रकार के होते हैं हॉरिजॉन्टल जो पैरल अपना रहता है ठीक है जिसमें आपका डिस्चार्ज अलग अलग रहता है इसमें डिस्चार्ज आपका सेम रहता है ठीक है बेडिंग प्लेन जो परपेंडिकुलर रहता है उसके लिए क्लियर तो वो था हमारा उसके बाद मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है इसके बाद नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ठीक है तो ये आपका एन्वामेंट से हो गया कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह आप लोग पढ़ते हो जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल ठीक है क्योटो प्रोटोकॉल आप जानते हो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए हुआ था मेरे ख्याल से 1992 में हुआ था ठीक है और वेना कन्वेंशन जैसे कि ओजोन लेयर के लिए हुआ था ठीक है आपको बता रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था ठीक तो वैसी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हम लोग जो लिए थे वो हुआ था आपका द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द नॉर्थ सी तो ये चीज भी आप पढ़ के चले जाना क्योंकि ऑलरेडी आपके में है तो इसको आप पढ़ोगे पढ़ोगे ठीक है तो इस चीज को आप लोग पढ़ के जाना भाई निगलेक्ट मत करना वहां से क्वेश्चन पूछा है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है आप समझ सकते हो नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉलोइ इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस देखो आप जानते हो दो प्रकार की हार्डनेस होती है एक होती है आपकी टेम्पररी हार्डनेसरी हार्डनेस ठीक टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होती है भाई टेम्पररी हार्डनेस होती है आपकी कार्बोनेट बाई कार्बोनेट ऑफ ठीक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और इसको कैसे हम लोग रिमूव करते हैं बॉइलिंग ऑफ वॉटर बॉइलिंग ऑफ वॉटर ठीक या फिर एडिशन ऑफ लाइन ठीक क्लियर और वही एक होती है आपकी परमानेंट हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस तो परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होती है आप जानते ही सीएल टू हो गया एसओ फोर हो गया एनो एनओ थ्री हो गया इन सब के कारण आपकी क्या होती है और ये भी किसके कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण इन सब के कारण आपकी क्या होती है परमानेंट हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को आप रिमूव करने के लिए क्या करते हो वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस ठीक कौन कौन सी है एक है आपकी लाइम सोडा प्रोसेस लाइम सोडा प्रोसेस ठीक एक है आपकी जियोलाइट प्रोसेस ठीक एक है आपकी डीमिनराइजेशन ठीक तो इन सब में सबसे बेस्ट अच्छी कौन सी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस बॉइलिंग ऑफ वाटर नहीं यूज होता लाइम ट्रीटमेंट नहीं दोनों किसके लिए हैं टेम्पररी के लिए हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए वो अलग है ठीक तो है वहां पे आप लोग जो एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स हैं वो जानते हो सोरसन फिल्टर वो सब हो गया जिओलाइट प्रोसेस से हम लोग लगभग पूरा परमानेंट हार्डनेस को मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी जिओलाइट प्रोसेस ही देती है आपकी आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी बोला जाता है इसे क्लियर नेक्स्ट अपन बात करते हैं द हाईएस्ट पॉइंट ऑन ए कैरियरज वे कैरियरज वे मतलब आपकी जिस गाड़ियां चलती हैं ठीक है थीके? आप लोग ये जानते होंगे ठीक दिस इज जो आपकी ये आपका हो गया ठीक है ये क्रॉस सेक्शन मैं बताता हूं ऐसी ठीक है ये ये आपकी क्या हो गई कैरियज वे दिस इज यूर कैरियज वेरियज वे के बाजू में एक आपका कैरियज वे वो वे होता है जिसमें गाड़ियां चलती हैं ठीक है आ, उसके बाजू में जो इमरजेंसी लेंग रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं शोल्डर ये आपका क्या हो गया शोल्डर शोल्डर फिर यहाँ पे आपका इस प्रकार से रहता है रोड मार्जिन रहता है इस प्रकार से गया रहता है ठीक है इस प्रकार से क्या रहता है और ये रोड मार्जिन को भी मिला के आपका क्या हो जाता है ये आपका राइट ऑफ वे हो जाता है ये पूरा जो आपका रहता है दिस इज शोल्डर इधर भी आपका शोल्डर है ठीक इमरजेंसी लेन शोल्डर ठीक तो इन दोनों को मिला के ये टोटल आपका क्या कहलाता है दिस इज यूर फॉर्मेशन विथ दिस इज यूर फॉर्मेशन ठीक अब यहां पे पूछ रहा है कैरियज वे का हाइएस्ट पॉइंट क्या होता है हाइएस्ट पॉइंट आपका होता है क्राउन सुपर एलिवेशन अलग चीज है कर्व वगैरह में हम लोग सुपर एलिवेशन देते हैं ठीक है जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग आउटर एज को उठाते हैं उसको सुपर एलिवेशन बोलते हैं केम्बर हम लोग क्या क्यों यूज करते हैं केम्बर कैसा स्लोप है ट्रांसफर स्लोप देते हैं क्यों देते हैं कि ताकि जो रेन वाटर है उसको हम डिस्पोज करने के लिए रेन वाटर आपका क्या है ऊपर से ही बह जाए नीचे तक ना जाए और ग्रेडियंट आप जानते हो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है ठीक है वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए जो हमारे देते हैं राइज एंड फॉल अलोंग द लेंथ वो आपका ग्रेडियंट होता है क्लियर उसके बाद बात करते हैं नाइट लैंडिंग के बारे में फॉर नाइट लैंडिंग ये आपका एयरपोर्ट आ गया फॉर नाइट लैंडिंग द रनवे थ्रेसोल्ड लाइट आर ठीक है तो अलग अलग प्रकार की मैंने यहाँ पे टेबल दिया हो उस टेबल को आप नोट कर सकते हो ठीक है तो जब भी uh, जब आपका फ्लाइट uh, आती है तो जो नाइट लैंडिंग में जो रनवे की थ्रेस होल्ड रहती हैं, ठीक है थीके? वो आपकी किस कलर की होना चाहिए तो वो आपकी ग्रीन कलर की होती है ये टेबल को देख लेना वो आपकी किस कलर की होती है ग्रीन कलर की होती है क्लियर तो ये सब लाइटिंग वाइटिंग के बारे में इन सब के बारे में एयरपोर्ट में देख लेना आते हैं एक क्वेश्चन तो देगा देगा ठीक अब पूछ रहा है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और एड्स के बारे में तो यहाँ पे आपको सभी दिख रहे हैं ड्राइंग शीट्स भी यूज होती हैं सेट स्क्स भी यूज होता है टेम्पलेट्स भी यूज होता है तो मैंने वैसे ही एक बार आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ऑल ऑफ दी ऑप्शन अगर दिया है टिक कर देना सारी चीजें यूज होती हैं बहुत बेसिक बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है ईओ आपका क्या होता है ठीक है ईओ का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ इलेक्ट्रिक ओवर हेड ट्रेवलिंग ठीक है Electric EOT मतलब हो गया इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग इस प्रकार की आपको क्रेन दिखती है ठीक है है ये दिख रहा डायग्राम में ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन इसको हम लोग बोलते हैं क्लियर ठीक है इसको हम लोग ईओटी बोलते हैं इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग ठीक नेक्स्ट पूछ रहा है केस ऑफ पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम बल इन ए लोकैलिटी देन द स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर वेस्ट वाटर फ्रॉम टॉयलेट इज या आप लोग पढ़ते हो कि जो हमारा उसको जब हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट यूज करते हैं उसमें कुछ एरोबिक प्रोसेस होती है और कुछ एन एरो प्रोसेस होती है ठीक है एरोबिक प्रोसेस में कौन सी आ गई आपकी एरोबिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो एरोबिक प्रोसेस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बोल रहा हूँ एक होती है आपकी ट्रिकलिंग फिल्टर ठीक ट्रिकलिंग फिल्टर एक होती है आपकी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ठीक और एक होता है आपका ऑक्सीडेशन पॉइंट ठीक ये ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में आपको बताना है ये कैसी प्रोसेस होती है ये अटैच प्रोसेस होती है अटैच ग्रोथ प्रोसेस अटैच ग्रोथ प्रोसेस ठीक एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कैसी रहती है सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस ठीक उसके बाद अगर मैं बात करूं एनारोबिक प्रोसेस एनारोबिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो एनारोबिक प्रोसेस में आपका क्या क्या आ जाता है एनारोबिक प्रोसेस में एक आ जाता है आपका सेप्टिक टैंक सेप्टिक टैंक एक आ जाता है आपका इमहॉफ टैंक इमहॉफ टैंक और एक आ जाता है आपका स्लज डाइजेशन टैंक स्लज डाइजेशन टैंक ठीक है स्लज डाइजेशन टैंक तो इसमें क्या पूछ रहा है वो कौन से प्रकार का वेस्ट वाटर सीवेज को ट्रीट करने का प्रोसेस है जो कि टॉयलेट वगैरह से वेस्ट निकलता है ऐसी जगह जहां पे पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो जहां पे आप आइसोलेटेड स्ट्रक्चर बनाओगे वेस्ट वगैरह को यूज करने के लिए यहाँ पे पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल नहीं है ऐसी लोकैलिटी के लिए हम लोग जनरली सेप्टिक टैंक को यूज करते हैं आप लोग अपने घर वगैरह में देखे हो ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं सेप्टिक टैंक और सेप्टिक टैंक से आपका जो प्रोसेस होती है इसके अंदर वो एनारोबिक प्रोसेस होती है ठीक है क्लियर नेक्स्ट द पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ रेसिड्यू फ्रॉम डिस्टिलेशन अप टू 360 डिग्री ऑफ रैपिड क्यूरिंग कट बैक ब्यूटीमन इस इसकी पेनिट्रेशन वैल्यू कितनी होती है आप लोग जानते हो अलग अलग प्रकार की पेनिट्रेशन वैल्यू होती है अलग अलग ग्रेड पता करने के लिए हम लोग ये पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं पेनिट्रोमीटर में ठीक है वन बाई टेंथ वैल्यू होनी चाहिए अलग अलग ग्रेड पता करने के लिए तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाती है पेनीट्रेशन वैल्यू आपका क्यू थ्री सिक्सटी डिग्री सेल्सियस पे रैपिड क्यूरिंग कटबैक के लिए एट्टी टू वन ट्वेंटी ठीक देखो ऐसे डेटा वाले क्वेश्चन आते हैं आपको अच्छे से इनडेप्थ पढ़ना ही पड़ेगा आपको अलग से नोट्स बनाना ही पड़ेगा आर आर जेई के लिए ठीक है आप हल्के में इसको मत लेके चलो अब ये आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी से आ गया बहुत क्वेश्चंस आते हैं वर्केबिलिटी से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा इन कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट इफ द कॉम्पैक्शन वैल्यू इज लेस देन ठीक है कॉम्पैक्शन वैल्यू अगर से कम है और जीरो से ज्यादा है तो वो किसके अंदर आएगा तो यहाँ आपको दिखा दिया वेरी लो कब होगा कॉम्पैक्शन फैक्टर जब जीरो पॉइंट सेवन एट हो लो कब होगा जब जीरो पॉइंट एट फाइव मीडियम कब होगा जीरो पॉइंट एट फाइव से ज्यादा और जीरो पॉइंट नाइन टू तक ठीक हाई कब होगा जीरो पॉइंट नाइन फाइव से आपका क्या हो जाएगा ये ज्यादा हो जाएगा मतलब उसके बराबर रहेगा ठीक तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर यहां पे हो जाएगा आपका मीडियम ठीक मीडियम हो जाएगा क्लियर इसका आंसर आपका मीडियम हो जाएगा ठीक ठीक नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ तो कंप्रेसिबिलिटी आपकी किसकी रेसिप्रोकल होती है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की होती है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंप्रेसिबिलिटी रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बल्क ऑफ इलास्टिसिटी आप जानते ही हो C इज इक्वल टू डेल V अपॉन V अपॉन डेल P, ठीक या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो वन अपॉन बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो वॉल वगैरह जो आपकी इस टेरेस में जो जो वॉल वॉल, होती है उसमें पानी को बहाने के लिए जो आप लोग यूज करते हो, वो वीप होल्स होते हैं ठीक है दैट इज वीप होल्स क्लियर दिख रहा है डायग्राम नेक्स्ट अपन बात करते हैं द मेथड इन विच मोटर इज कन्वर्ट थ्रू ए होस एंड न्यूमेटिक प्रोजेक्टेड इन ए हाई वेलोसिटी एकदम आप

जो पानी इजिली फ्लो हो जाता है ग्रेविटी वाटर या फ्री वाटर ठीक है जो इजिली फ्लो हो जाता है उसको हम लोग या तो ग्रेविटी वाटर बोलते हैं या फ्री वाटर बोलते हैं ठीक इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्री वाटर हाइग्रोस्कोपिक वाटर आपको पता है ठीक है जो एटमोस्फेयर से थोड़ा सोख के रख लेता है दैट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर कैपले वाटर के बारे में भी आप जानते हो ठीक है कैपले वाटर जो राइज एंड फॉल होता है कभी ऊपर जाता है ठीक है जनरली उसकी वैल्यू को निगेटिव लेके चलते हो आप लोग वो तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस प्रकार का डायग्राम भी दिखा है वाटर हेल्ड जो माइक्रो पोर्स में जो आपके वाटर रहते हैं वो दैट इज योर कैपिलरी वाटर ठीक और जो इजिली मूव हो जाता है ठीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्री वाटर ठीक तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइग्रोस्कोपिक वाटर रिमेनिंग वाटर वॉटर द सॉइल पार्टिकल ठीक है क्लियर नेक्स्ट पूछ रहा है फाउंडेशन प्लान विल शो फाउंडेशन प्लान जो रहता है वो क्या दिखाता है

इंजीनियरिंग इकोनॉमी है फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंजीनियर इकोनॉमी वन शुड बी एबल टू क्लासीफाई द बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी ठीक है तो ये सारी तीनों तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शन

मैं आपको डायग्राम के साथ एक एक चीज बताते जा रहा हूँ और उससे भी क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूँ ठीक है तो जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अच्छा लगे तो लाइक तो, करो ठीक है और इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में